this video, we are going to talk about the first number of engineering college in the entire Gujarat, or not in the entire Gujarat, but it is one of the top 10 engineering college in the entire India, and which is the Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, basically located in the Gandhinagar, really close campus to the Tata Consultancy Services or Info City ke just baju mein hi hai. Agar iska address ke bare mein baat kari jaye to ye aati hai Gandhinagar ke andar DAIICT Road, opposite Info City and behind, just next to the Tata Consultancy Service. Ab ye video mein main aapko DAIICT ke pichle 3 saal ke कट ऑफ के बारे में कंपैरिजन करने वाला हूं, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था और मोस्ट डिमांडेड आपके साइड से यहां पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें प्लीज DAIICT के बारे में डिस्कस कीजिए कट ऑफ के बारे में. तो ये वीडियो में मैं कंप्लीट DAIICT के फोकस करने वाला हूं, और इसके अलावा आपको जो भी यहां पे डेटा चाहिए, लाइक से दैट कि आपको यहां पे निर्मा का डेटा चाहिए या फिर कोई और कॉलेज का, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले. तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं 2020 से यहां पे DAIICT लाइन नंबर 142 143 एंड 144. अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्यों हैं? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे मैं ये देना चाहूंगा कि बीटेक, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, तो 3 तरह के कोर्स यहाँ पे 2020 में ऑफर किए जाते थे. बट मेरा जब टाइम था 2018 में, तब यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रांच एक्टिव थी. बट यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बदलता गया, उसमें नई नई ब्रांच आ गई है, और एज ऑफ नाउ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के जिस ईयर में आप यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हो, इस साल में DAIICT के अंदर एक और ब्रांच इंक्लूड की गई है, और वो है समथिंग अराउंड आपकी डिजाइन फील्ड रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल फील्ड रिलेटेड. तो ये भी आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे दूसरी ब्रांच में भी एडमिशन ले सकते हो. सबसे पहले 2020 के अंदर बीटेक आईसीटी में यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हुआ था 54 पे, एससी कैटेगरी के लिए हुआ था 1709 पे, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्लोज हुआ था 1619 पे, एसीबीसी पे था 177, ईडब्ल्यूएस के लिए था 75. तो अगर हम बीटेक आईसीटी का पिछले 2 साल पहले का देखें, तो यहाँ पे कहाँ है बीटेक आईसीटी, दिस इज द आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो फिर यहाँ पे कट ऑफ काफी ऊपर चला गया था, क्योंकि ये ब्रांच की ज्यादा डिमांड आ गई थी, और वो थी ऑन्स इन आईसीटी विद माइनर इन कंप्यूटेशनल साइंस. तो अगर हम सिर्फ अगर आईसीटी की बात करें, तो पिछले साल 2 साल पहले ये था 158 फॉर ओपन, उसके बाद एससी के लिए 2208, एसटी के लिए ये था 13555, ओबीसी यानी कि एससीबीसी कैटेगरी के लिए था 487, और इसके बाद यहां पे टीएफडब्ल्यूएस के लिए 61 था. तो ये सारे डेटा आप देख सकते हो. और अगर हम लेटेस्ट पिछले साल की बात करें DAIICT के अंदर, और इसके अंदर भी अगर हम सिर्फ आईसीटी की बात करें, वेर इज या हियर इज आईसीटी, और फिर विच कैटेगरी, अगर हम जनरल की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे था 156 उसका कट ऑफ था. तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 3 साल के आसपास कि यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो 3 साल में यहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि थोड़ा सा माइनर सा आईसीटी कोर्स के लिए इसमें कट ऑफ ऊपर गया है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था. अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर इसके बाजू में ये जो 10 लिखा है, ये 10 क्यों है? तो 10 का मतलब ये है कि मॉक राउंड के बाद यहाँ पे जिस तरह से एडमिशन हुआ था, उस राउंड के अंदर जो फर्स्ट स्टूडेंट था कि जिसका यहाँ पे कट गुजकेट का मेरिट रैंक सबसे नीचा था, उसका था यहाँ पे 10, और जो लास्ट स्टूडेंट था कि जिसका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, उसका मेरिट मार्क था समथिंग अराउंड 156. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कवर किया है. अगर हम इसकी दूसरी ब्रांच के ऊपर जाए, तो दूसरी ब्रांच यहाँ पे कौन सी है DAIICT के अंदर, और वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि जिसमें समथिंग अराउंड 140 के आसपास ही है, और जिसमें हमने ऑलरेडी कवर किया है. और तीसरा है मैथ्स एंड कंप्यूटिंग. ये लोग यहाँ पे एमएनसी को इस तरह से करते हैं, बट लेट मी आस्क यू गूगल एमएनसी इंजीनियरिंग ब्रांच एंड लेट्स से दैट फुल फॉर्म. ठीक है, तो क्या कुछ होता है एमएनसी का? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होता है, तो ये भी होता है. ठीक है, एमएनसी एमएनसी बेटर देन सीएसई. अगर हम यहाँ पे आर्टिकल पढ़े, इफ यू वांट टू गो फॉर द रिसर्च इन मैथमेटिक्स एंड देन डेफिनेटली एमएनसी इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू. ठीक है, बट बेटर डिसाइड इफ फर्स्ट व्हाट यू वुड लाइक टू डू टू स्टडी इन कंप्यूटिंग फॉर 4 or 5 गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ. इन ब्रीफ, एमएनसी इज सीएस विथ मोर एंड मोर मैथ्स. ठीक है, प्रोबेबली दैट इज वाई एम कम्स बिफोर सी.
ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम एमएनसी को कंपेयर करें तो पिछले साल एमएनसी का 2 साल पहले था 123, 3 साल पहले था ये 151, और पिछले साल ये कहाँ पर गया था, लेट्स क्विकली फाइंड आउट। जनरल के लिए क्या कुछ था, इट्स समथिंग अराउंड 80, ठीक है। तो यहाँ पे एमएनसी की डिमांड भी ज्यादा हो गई है। और अगर हम वीडियो के लास्ट में फटाफट से इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है DAICT, तो यहाँ पे हम जाते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तो ये जो ब्रांच है ईवीडी, ये ब्रांच यहाँ पे इन लोगों ने नई इंट्रोड्यूस की है, और ये ब्रांच में आप जा सकते हो। नीचे यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल लिखना हो ईमेल, तो यहाँ पे वो भी फैसिलिटीज है। बट मेक श्योर दैट कि यहाँ पे लास्ट में मेरे पास एक ही एडवाइस आपके लिए रहेगी कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी कॉलेज चॉइस फिलिंग के अंदर ऐड करो, तो मेक श्योर दैट कि आप यहाँ पे पहले क्या करो, पहले यहाँ पे कॉलेज का कैंपस एक बार विजिट करके आओ, और उसके बाद भी जो भी आपका कोई डिसीजन है वो आप यहाँ पे डिसीजन लो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एज यू कैन सी ऑन दी वेबसाइट कि यहाँ पे आपको कैंपस भी देखने को मिल जाएगा। कैंपस बहुत ही अच्छा है, ग्रीन कैंपस है बहुत, मतलब पर्सनली मुझे, और जगह काफी ज्यादा है ये, मतलब इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है कैंपस, तो ये भी एक काफी अच्छी बात है, ठीक है। एम टेक की यहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज है, बी टेक की फैसिलिटीज है, और एडमिशन 2023 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल होगा कि सर यहाँ पे ACPC से करे या फिर यहाँ से करे, तो मैं तो बोलता हूँ कि दोनों से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या पता आपका मतलब नसीब अच्छा हो, डायरेक्टली आपको मिल गया, तो ये भी एक अच्छी बात है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब लेट से देखती, मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स कवर करके फटाफट से वीडियो को समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेरीज बहुत आती है कि सर हमें मान लीजिए कि डायरेक्टली जाना है तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें है ऑल इंडिया कैटेगरी, गुजरात कैटेगरी, NRIN, फॉरेन नेशनल कैटेगरी, BTech, FAQs, ठीक है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा ऑल इंडिया कैटेगरी। तो यहाँ पे एक आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा कि फिलिंग कब से, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा। बहुत टाइम से यहाँ पे 19 अप्रैल से वो स्टार्ट है, और कब तक चलेगा, 27 जून तक, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट का अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, उसके बाद फी पेमेंट का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी सब कुछ मतलब ऐसे ही, मतलब टाइम टेबल बना है, बट इसके अंदर यहाँ पे डेट कोई भी फिक्स नहीं की गई है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक इस तरह से टाइम टेबल चलेगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी की सारी डिटेल्स जैसे कि कितनी यहाँ पे आपको इनटेक मिल देखने को मिल जाएगी, तो ये इनटेक है, जैसे कि यहाँ पे ICT में 131 है, ICT विद CS में यहाँ पे 47 है, इसके अलावा यहाँ पे BTech MNC में 26 है, और इसके अलावा यहाँ पे VLSI डिजाइन में 21 है। तो अब आप बोलोगे क्या सर इतने ही सीट्स होगी, तो इसका आंसर है नहीं। ये मैंने क्या सिलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था ऑल इंडिया कोटा, तो इसीलिए यहाँ पे ये इनटेक दिखाई दे रही है, ठीक है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, प्लेसमेंट स्टेटस में यहाँ पे कितने का पैकेज मिला है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी फॉर द ग्लिच। हाईएस्ट पैकेज वॉज अराउंड 82 लाख, मीडियम सैलरी इज लाइक 20.25 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स देके रखिए कि मान लीजिए कि 30 लाख से ऊपर के CTC में मिले थे 21%, 20 से लेके 30 लाख में 27% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 10 से लेके 20 लाख को यहाँ पे 35% थे, और 10 लाख से कम स्टूडेंट्स वाले को यहाँ पे 17% का यहाँ पे पैकेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर कंपनीज की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, जैसे मॉर्गन स्टेनली हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जुपिटर हो गया, उसके बाद यहाँ पे इवोसिस है, TCS है, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर देके रखा है, तो आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर कैंपस भी विजिट कर सकते हो। राइट, सो या That's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.